हाय फ्रेंड्स, मैं प्रियंका, आर्टिस्टिक विजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही यूजफुल ये घरेलू नुस्खा, जिसे हम बना के इसे रख दे, स्टोर करके रख दे। जब भी हमें ऐसे लग रहा है फ्रेंड्स कि हमें सर्दी हो गई है, खांसी हो गई है, जुकाम हो चुका है और बुखार भी आ रहा है, तो इस गोली का सेवन हम कर सकते हैं, या इसे आप वैसे भी सेवन कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, अभी सभी को पता है कि बाहर की सिचुएशन कैसी है, तो इस गोली को आप इस तरह से बना के रख दीजिए और डेली इसका एक बार यूज़ करिए, यानी इसे एक बार हमें इसे खाना है। तो बिल्कुल हम जैसे विक्स की गोली खाते हैं, बस वैसे ही हमें इसे खाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक तड़का पैन ले लिया है और इसके अंदर हम डाल देंगे काली मिर्च। तो यहाँ पे मैंने 25 से 30 काली मिर्च ले ली है और नेक्स्ट इसके अंदर हम डाल देंगे लौंग। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने 8 से 10 लौंग ले ली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान रखिए, लौंग जो है वो फूल वाली आपको लेना है इस तरह से, और फूल वाली लौंग में ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो इन सारी चीज़ों को हमें बस 15 से 20 सेकेंड के लिए भून लेना है। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, बस 15 से 20 सेकेंड के लिए, जिससे कि इसमें जो भी ऑयल है वो रिलीज़ हो जाए। तो चलिए, ये बहुत ही बढ़िया से हमारे भून करके तैयार हो गए। गैस की फ्लेम को करते हैं बंद। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें ले लेना है, इसे कूट लेना है, यानी हमें इसका कूट करके एक बढ़िया सा बारीक पाउडर बना के रख देना है। तो चलिए हम फटाफट से इसका पाउडर बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा सिम्टम्स आ रहा है कि आपको सर्दी खांसी हो चुकी है, तो आप ये गोली का सेवन कर सकते हो, या आप डेली इसे वैसे भी खा सकते हो। तो चलिए, ये पाउडर बनके तैयार हो चुका है। गैस की यहाँ पे मैंने फिर से ले लिया तड़का पैन और इसके अंदर हम डाल देंगे बिल्कुल एक छोटी कटोरी जितना गुड़। तो गुड़ को मैंने अच्छे से बारीक कट कर लिया है, जिससे कि ये बढ़िया से जल्दी मेल्ट हो जाए। तो इसे हम लो फ्लेम पे इस तरह से चलाते हुए इसे मिक्स करते जाएंगे और गुड़ को हमें अच्छे से मेल्ट करना है। तो फ्रेंड्स, इस गोली को आप बच्चों को भी दे सकते हो, ये बहुत इफेक्टिव है। अगर हमें तो हल्की सी सर्दी खांसी भी हो चुकी है, जुकाम हो चुका है, तो इस गोली को हम आराम से ले सकते हैं। अगर नहीं भी है फ्रेंड्स, तो आप डेली इस गोली को एक बार दिन में ले सकते हैं। अगर आप बच्चों को डेली इसे दे रहे हो, तो बस इसे आधी गोली हमें देना है। तो चलिए, यहाँ पे हमें नेक्स्ट ऐड कर देना है इसमें एक चम्मच अदरक का रस। तो अदरक के रस की जगह पे आप सौंठ पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें हम डाल देंगे कूटा हुआ पाउडर और यहाँ पे हमें गैस की फ्लेम को कर देना है बंद और इसे हमें अच्छे से कर लेना है मिक्स। तो चलिए फ्रेंड्स, ये बढ़िया से मिक्स हो चुका है। इसके अंदर हम डाल देंगे एक चुटकी मीठा सोडा, यानी खाने का सोडा। इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगी हमें इसमें क्यों ऐड करना है। तो चलिए, ये बढ़िया से ये फ्लफी हो चुका है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमें प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे घी लगा लेना है, आप थाली में भी लगा सकते हो, और इसके हमें इस तरह से छोटी छोटी गोली बनाना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने मीठा सोडा इसके लिए यूज़ किया है क्योंकि इसमें गुड़ जो है वो हल्का सा जल जाता है, यानी कड़वाहटपन आ जाता है, क्योंकि हमने गुड़ में ना घी ऐड किया है ना पानी ऐड किया है, इसी वजह से। तो यहाँ पे हमने अगर सोडा ऐड कर दिया है, पिंच ऑफ सोडा बिल्कुल, तो इससे क्या होता है कि ये एकदम फ्लफी बन जाता है और इसमें इसका जो कड़वाहट है वो निकल जाता है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने इस तरह से छोटी छोटी गोली बना के रख दी है। आप चाहे तो इससे बड़ी भी बना सकते हो, आप चाहे तो इससे छोटी भी बना सकते हो। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ की गोली बना के रख दी है। बस इसे हमें 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देना है ताकि ये बढ़िया से सेट हो जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 10 मिनट मैंने इसे रखा है बस, और ये इस तरह से बढ़िया से सेट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इसे लेना है दिन में एक बार। अगर आप इसे बच्चों को दे रहे हो तो आप आधी गोली दे सकते हो। और इसे अगर आपको सर्दी बुखार खांसी जुकाम नहीं भी है फ्रेंड्स, फिर भी आप ये गोली का सेवन कर सकते हो। फ्रेंड्स, अभी बाहर की सिचुएशन ऐसी है कि हमें समझ नहीं आता है कि हमें नॉर्मल सर्दी बुखार खांसी हुआ है या कुछ इन्फेक्शन हुआ है। तो फ्रेंड्स, बस इस गोली को आप डेली एक बार ले लीजिए, बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये घरेलू नुस्खा है फ्रेंड्स, इसे आप ज़रूर आजमाइए, ज़रूर ट्राई करिए। तो इस तरह से हमें इसे एक कोई भी एयर टाइट जार में, कांच की बॉटल में इसे भर के रख देना है। तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने आपसे इम्यूनिटी पाउडर का भी वीडियो शेयर किया, काफ़ी लोगों ने उसे पसंद किया, काफ़ी लोगों को पसंद आया है, कमेंट्स आई है मुझे। तो फ्रेंड्स, आप वो देख सकते हो या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी, वहाँ से भी आप उसे देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस तरह की ये गोली को बना के रख दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सारे लोग इसे घर में आसानी से बना के रख सकें। और वीडियो कैसी लगी है फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर, स्टे होम।